जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 54 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन बुक का नाम है, चैप्टर का भी नाम यही है, और पेपर नंबर 4 चल रहा है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए चल रहा है और बीई वालों के लिए चल रहा है। तो देखिए, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, रिड्यूसिबल इनटू कैलरट्स इक्वेशन। यानी कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कैलरट्स फॉर्म में नहीं रहेगा, लेकिन उसको कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो वो कैलरट्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन से समझिए। सॉल्व ई टू द पावर 3x पी माइनस 1 प्लस पी क्यूब ई टू द पावर 2y इक्वल टू 0। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ई टू द पावर 3x इंटू पी माइनस 1 प्लस पी क्यूब इंटू ई टू द पावर 2y इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 इसको लेट कर लीजिए। अब यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करेंगे। देखिए बाबू, सब्सटीट्यूशन में ये ई टू द पावर यहाँ पर 3x है, तो ई टू द पावर x को u पुट करेंगे एंड ई टू द पावर y को हम लोग भी पुट करेंगे। फिर इसको डिफरेंशियल इसका निकालेंगे, ई टू द पावर x का, तो ई टू द पावर x इंटू dx और u का डिफरेंशियल du, और फिर ई टू द पावर y का डिफरेंशियल ई टू द पावर y इंटू dy इक्वल टू v का dv। मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंशियल का, डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं, डिफरेंशियल कोफिशियंट का नहीं। बढ़िया से सुनिएगा, मैं ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल निकाला तो ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स आया, यू का डिफरेंशियल डी यू, और ई टू द पावर वाई का डिफरेंशियल ई टू द पावर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू वी का डिफरेंशियल, डिफरेंशियल बात कर रहा हूँ, वी का डी वी। अब इसको डिवाइड कर देना है, ई टू द पावर वाई डी वाई अपॉन ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर वाई डी वाई का क्या है तो डी वी है, ई टू द पावर एक्स डी एक्स का क्या है तो डी यू है, ठीक है ना। तो अब एक काम कीजिए, ई टू द पावर वाई अपॉन ई टू द पावर एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग स्मॉल पी कहते हैं, और डी वी बाई डी यू को हम पी लेट कर लेते हैं। तो वेयर स्मॉल पी बराबर डी वाई बाई डी एक्स एंड इस कैपिटल पी बराबर डी वी बाई डी यू। अब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्मॉल पी यहाँ पर रह गया और यहाँ पर कैपिटल पी है, ये डिवाइड में ई टू द पावर एक्स है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये इंटू में है ई टू द पावर वाई तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर वाई इंटू कैपिटल पी इक्वल टू स्मॉल पी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 माना है। अब यहाँ से आइए ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, उसको मैंने लिख दिया ई टू द पावर 3x इंटू पी माइनस 1 प्लस पी क्यूब इंटू द इंटू ई टू द पावर 2y इक्वल टू 0, इसको मैंने लिख दिया, इसको ये इक्वेशन 1 हो गया। अब आगे समझिएगा, मैं ई टू द पावर 3x को ई टू द पावर x का होल क्यूब लिख सकता हूँ, पी माइनस 1 प्लस पी क्यूब ई टू द पावर 2y को ई टू द पावर y का पावर 2 इक्वल टू 0। अब ई टू द पावर x को क्या माना था मैंने, तो ई टू द पावर x को u माना था, तो u क्यूब हो जाएगा वहाँ पर। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्मॉल p की जगह पर क्या है बाबू, तो स्मॉल p की जगह पर ई टू द पावर x अपॉन ई टू द पावर y इंटू कैपिटल p, तो देखिए मैंने वही लिखा हूँ, ई टू द पावर x अपॉन ई टू द पावर y इंटू कैपिटल p स्मॉल p की जगह पर, ठीक है, ये देखिए स्मॉल p की जगह पर। तो अब प्लस पी क्यूब है, अब प्लस पी क्यूब की जगह पर स्मॉल पी की जगह पर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर वाई इंटू कैपिटल पी, तो वही लिखा हूँ मैं, स्मॉल पी की जगह पर ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर वाई इंटू कैपिटल पी, और इसका होल क्यूब है तो इसका भी होल क्यूब, और ई टू द पावर वाई का ई टू द पावर वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आगे समझिएगा, यू यू का क्यूब ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर वाई, तो ई टू द पावर एक्स को हमने यू माना है तो यू, और ये कैपिटल पी मल्टीप्लाई में हो गया, ई टू द पावर वाई को मैंने भी माना है माइनस 1, प्लस ई टू द पावर एक्स को मैंने यू माना है स्मॉल यू, ई टू द पावर वाई को मैंने कैपिटल बी, और इंटू कैपिटल पी का होल क्यूब, और ये ई टू द पावर वाई को मैंने भी माना था तो भी का स्क्वायर इक्वल टू 0। आगे समझिएगा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यू का क्यूब हो गया पी यू माइनस, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो पी यू माइनस बी अपॉन बी प्लस यू क्यूब, यू का क्यूब पी का कैपिटल पी का क्यूब, और नीचे कैपिटल बी का क्यूब, ऊपर में भी स्क्वायर हो जाएगा तो भी स्क्वायर से भी स्क्वायर मर जाएगा तो ओनली भी बचेगा, है ना, इक्वल टू 0। आगे यहाँ पर समझिएगा, यू का क्यूब यहाँ पर भी है, यू का क्यूब यहाँ पर भी है, तो यू का क्यूब को कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पर पी यू माइनस भी बचा था, और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका पी क्यूब अपॉन भी बच जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा पी यू माइनस भी, और भी और भी का एलसीएम तो भी ही होगा इसीलिए नीचे में भी और ऊपर में पी क्यूब हो जाएगा, ठीक है, यू क्यूब को तो कॉमन ले लिए हैं, है ना, इक्वल टू 0। अब आगे समझिएगा, ये यू ये भी डिवाइड में है, इंटू में जाएगा तो 0 इंटू भी 0, और ये इंटू में है यू क्यूब तो डिवाइड में जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाई यू क्यूब तो 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा मेरा पी यू माइनस भी प्लस पी क्यूब इक्वल टू 0। तो इधर देखिए पी यू प्लस पी क्यूब, पी यू प्लस पी क्यूब कर दिया और माइनस भी को उधर भेज दिए तो प्लस भी हो जाएगा, तो इसको इधर पलट के लिख देंगे तो भी बराबर पी यू प्लस पी क्यूब इक्वेशन 1, इसको लेट कर लीजिए। और अब आप देखिए, अब देखिए ये कैलरट्स फॉर्म में आ गया ना, तो y इक्वल टू पी एक्स,
प्लस एफ ऑफ पी आ तो गया है, बस अंतर ये है, वेरिएबल्स का अंतर है, जहाँ पर वाई है वहाँ पर भी है, जहाँ पर पी है वहाँ पर तो पी है ही, जहाँ पर यू है वहाँ पर, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर यू है, जहाँ पर पी है, जहाँ पर मेरा एफ ऑफ पी है वहाँ पर पी क्यूब है। तो बस अंतर कितना, बस जहाँ पर मेरा वाई है वहाँ पर मेरा भी है, जहाँ पर मेरा एक्स है वहाँ पर मेरा यू है, बस इतना ही अंतर है, बाकी बात सब सेम है। अब आगे इसको आगे यूज़ करके हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। तो इक्वेशन वन इसको लेट किए थे, इक्वेशन टू इसको लेट कर लीजिए, इसको इक्वेशन टू लेट कर लीजिए, इक्वेशन वन इसको लेट किए थे तो इक्वेशन टू आप उसको लेट कर लीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो v बराबर पी यू प्लस पी क्यू इक्वेशन नंबर टू। चलिए इधर वाला मैं इरेज करता हूँ, फिर आगे मैं बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए इधर वाला जो है कि मैंने इरेज कर दिया था, ठीक है ना, और इधर वाला अभी भी है, बट इधर वाला इरेज करके फिर मैंने इसके बाद वाला लिखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर इक्वेशन टू नहीं हो करके इक्वेशन थ्री होगा, ठीक है ना। इससे पहले वाला आपका इक्वेशन टू था, आप देखिएगा पलट के, है ना। आप अगर साथ ही साथ, आपको क्या करना है कि साथ साथ आपको लिख करके चलना है, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। देखिए ये इक्वेशन नंबर वन से ये वाला मैंने लिखा है, और इससे पहले इक्वेशन नंबर टू था, और ये इक्वेशन नंबर थ्री, ये वाला इक्वेशन नंबर थ्री है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए ये कैलर्स फॉर्म में आ गया है, अब इसके बाद का देखिए, विच इज इन कैलर्स इक्वेशन, ये कैलर्स इक्वेशन है, देयर फॉर द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन थ्री। तो इक्वेशन थ्री का, इक्वेशन थ्री का जनरल सोल्यूशन होगा, ठीक है ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। इक्वेशन थ्री मेरा कैलर्स फॉर्म में आ गया है, तो इसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। तो देयर फॉर द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन थ्री इज गिवन बाई वी इक्वल टू, यहाँ पर P का वैल्यू मैं C पुट कर दूंगा, P का वैल्यू अगर मैं C पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर P का वैल्यू C पुट कर दिया। अब V का वैल्यू क्या था मेरा, ई टू द पावर वाई था, U का वैल्यू मेरा क्या था, ई टू द पावर एक्स था, अब प्लस सी क्यूब। अब आप देख सकते हैं कि y और x में एक रिलेशन स्थापित हो गया है, एक रिलेशन स्टैब्लिश्ड हो गया है, जिसको मैंने इक्वेशन 4 माना है, और यही मेरा जो है कि जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देख सकते हैं p जो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ई टू द पावर वाई इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी क्यूब, ये आपका जनरल सोल्यूशन हो गया। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिंगुलर सोल्यूशन, एसएस लिखा है शॉर्टकट में, सिंगुलर सोल्यूशन। अब हमको सिंगुलर सोल्यूशन चाहिए, तो वी डिफ्रेंशिएट इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री को डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू पी, पी के रिस्पेक्ट में मैं पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूंगा, देन वी गेट। देखिए ये भी है, तो भी को अगर पी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो वो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि ये रूल है पार्शियल डेरिवेटिव का, अगर p के रिस्पेक्ट में मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूं तो p के अलावा कोई भी टर्म आ जाए तो उसको कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो डेल v बाय डेल p हो जाएगा, मतलब डेल डेल ऑफ डेल p डेल अपॉन डेल p ऑफ v करेंगे, तो चूंकि p के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो v को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। अब p को छोड़ेंगे भाई मेरे, p को छोड़ेंगे, u को अगर p के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो होगा, अब फिर u को छोड़ेंगे, अब p का डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल, अगर u को छोड़ेंगे फिर p को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली p के रिस्पेक्ट में, तो डेल p बाई डेल p वन हो गया, प्लस पी क्यू का क्या हो जाएगा, थ्री पी स्क्वायर, ठीक है। अब आगे समझिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हुआ, ये आपका थ्री पी स्क्वायर यहीं पर है, और ये प्लस u है ना, प्लस u इस तरफ आ जाएगा तो माइनस u में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे क्या है, इधर पी स्क्वायर है, माइनस यू इंटू में है थ्री, तो डिवाइड में चल जाएगा, माइनस यू अपॉन थ्री, तो पी बराबर इधर स्क्वायर में है बाबू, तो इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, तो रूट में आ जाएगा, तो इधर माइनस यू अपॉन थ्री है। अब आगे यहाँ पर एक लाइन और समझना पड़ेगा, मैं ऊपर में बता देता हूँ, चल ध्यान दो, क्या बाबू पी है इधर, कैपिटल पी है, याद रखिए कैपिटल पी, मैं कैपिटल पी के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या हूँ पार्शियली, क्यों बाबू, क्योंकि यहाँ पर मेरा यहाँ पर देखिए आप कैपिटल पी के ही फॉर्म में हैं, ठीक है ना, इसी वजह से मेरा जो ये आप जो देख सकते हैं मेरा v इक्वल टू पी यू प्लस पी क्यूब, जो मेरा कैलर्स फॉर्म है वो कैपिटल P के फॉर्म में है, समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने कैपिटल P के फॉर्म में ही डिफरेंशिएट किया था, किया हूँ, और जब कोई भी स्मॉल p के फॉर्म में रहेगा मेरा, है ना, गिवन पार्स गिवन
कैलर्स फॉर्म या कैलर्स इक्वेशन, तो फिर स्मॉल पी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, चूंकि कैपिटल पी के फॉर्म में है इसीलिए कैपिटल पी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया हूं मैं। अब आगे पी बराबर रूट ओवर माइनस यू है ना बाबू, तो माइनस यू के जगह पर यू को क्या माने थे, ई टू द पावर एक्स माने थे, और वी को ई टू द पावर वाई माने थे, तो यू के जगह पर ई टू द पावर एक्स हो जाएगा अपॉन थ्री हुआ, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो कि रूट के अंदर नेगेटिव पार्ट है, रूट के अंदर क्या है, नेगेटिव पार्ट है, तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव पार्ट होता है तो उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो ये इमेजिनरी नंबर है, विच इज इमेजिनरी नंबर, रूट अंडर, रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर रहता है, रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर रहता है तो उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो यहां पर लिखिएगा विच इज इमेजिनरी, ये पी का जो वैल्यू आया कैपिटल पी का वो इमेजिनरी है, जब कैपिटल पी का इमेजिनरी वैल्यू आया है तो फिर इसका तो सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंगुलर सॉल्यूशन अगर पी का कोई एक रियल वैल्यू आता तो उसी रियल वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर थ्री में पुट कर देते, इक्वेशन नंबर थ्री में पुट कर देते जिससे हमको एक सिंगुलर सॉल्यूशन मिलता है ना, तो और x और y के बीच में एक रिलेशन कायम हो पाता, तो हम लोग कहते कि ये सिंगुलर सॉल्यूशन है, लेकिन कोई एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए था उसमें। तो यहाँ पर देखिए एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है इसीलिए ये जनरल सॉल्यूशन है ना। अगर मैं पी का वैल्यू यहाँ पर कोई रियल वैल्यू आता तो मैं पुट करके एक सिंगुलर सॉल्यूशन ले आता और यू और वी का वैल्यू पुट कर देते, वी का ई टू द पावर वाई और यू का ई टू द पावर एक्स, तो एक रिलेशन कायम हो जाता है ना, और पी का कुछ ना कुछ एक वैल्यू आ जाता रियल, तो फिर हम लोग यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन कायम कर पाते। अगर रिलेशन कायम करने में सक्सेस हो पाते तो फिर हम लोग कहते क्या कि इट इज़ ए सिंगुलर सॉल्यूशन, बट बाबू विच इज इमेजिनरी, पी का मेरा वैल्यू इमेजिनरी आ रहा है, इसी वजह से यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा है ना। देयरफॉर सिंगुलर सॉल्यूशन SS, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, सिंगुलर सॉल्यूशन इज डजेंट एग्जिस्ट, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्या समझ में आ गया ना, यहाँ पर इसी वजह से सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रही होगी, लेक्चर नंबर 54, और ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक और नए क्वेश्चन के साथ, रिड्यूसिबल इनटू कैलर्स फॉर्म से रिलेटेड एक और प्रश्न, एक और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, लेक्चर नंबर 55 में, और उसमें क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इंटू डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई, फिर ब्रैकेट वन प्लस डीवाई बाई डीएक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको भी आपको जो है कि रिड्यूस करना है कैलर्स फॉर्म में, एंड देन फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। सॉल्व करना है कहने का मतलब जनरल सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना मतलब एक्स और वाई के बीच में एक तो रिलेशन कायम होगा ही, साथ ही साथ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आएगा, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा क्योंकि कैलर्स फॉर्म जो होता है फर्स्ट ऑर्डर के ही फॉर्म में रहता है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव ही यहाँ पर मौजूद रहता है, डबल डेरिवेटिव नहीं मौजूद रहता है। और इसके बाद सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए जस्ट आपको जो मेरा सी को है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग जो है कि एक कंडीशन अप्लाई करते हैं इक्वल रूट्स का, जहाँ पर डी बराबर डिस्क्रिमिनेंट को जीरो पुट करके हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन को प्राप्त करते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। और कभी अगर बाय चांस सी क्वाड्रेटिक में नहीं हो पाए, मतलब जो सिंगुलर जो जनरल सॉल्यूशन है वो मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं हो पाता है, तो उस केस में हम लोग करते क्या है, उस केस में हम लोग जो मेरा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जो मेरा कैलर्स फॉर्म में होता है, उसको जस्ट पी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो उससे हम लोग को फिर क्या निकल जाता है, उससे हम लोग को सिंगुलर सॉल्यूशन मिल जाता है। तो चलिए वो सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 55 में, तब तक के लिए खुश रहिए, और ये सबको साथ ही साथ आपको उतारते भी जाइए क्वेश्चंस को, उत्तर आंसर्स।